जी मैं नानी जी हैं। हाय। अरे अरे बाबा गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर बहुत 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 ही ज़्यादा खैरियत से और बड़े मज़े में, क्योंकि अभी मैं हूँ अपने होम टाउन वाराणसी में, अपने मायके में, पापा जी मम्मी जी के पास, और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में मेथी के पराठे, जो हमारे घर में सभी को पसंद है, पापा जी को, मम्मी जी को, मुझे, देव को, स्वीटी को, सभी को, हमारी पूरी फैमिली को, मेरे सिस्टर्स को भी मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी वो लोग नहीं है यहाँ पर, अभी हम ही लोग आए। तो जब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ ना, तब तक पापा जी और देव ब्रेकफास्ट करने बैठ चुके थे इस टाइम पे, और मम्मी जी बाहर, निर्मला आंटी है, इनसे हमेशा सब्जी लेती है तो सब्जी ले रही हैं। और अभी देखा होगा आपने, सनलाइट है तो मम्मी जी ने थोड़ा सा मतलब कान वगैरह पैक नहीं रखे, वरना मम्मी जी को जो लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले जो प्रॉब्लम हुई थी पैरालाइज्ड की, उस अभी तो मम्मी जी एकदम फाइन है। बट ठंड में थोड़ा सा क्या होता है ना कि हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा हो जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, इस वजह से मम्मी जी थोड़ा सा अपनी मतलब ध्यान रखती हैं, स्वेटर वगैरह पहन के ही रखती हैं। भगवान हमेशा मेरे पेरेंट्स को हमेशा हमेशा अच्छा रखे। धनिया लाया था ना माँ? तो डालना भूल गया होगा भाई फिर वो। आप लोगों को पता है मैं 9 मंथ्स के बाद मायके गई हूँ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा गैप। इसके पहले भी एक बार हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो कोविड की वजह से मजबूरी थी, हम लोग जैसे ही दिल्ली शिफ्ट हुए, इनफैक्ट हम लोग लॉकडाउन में स्वीटू वहाँ थे, हम लोग यहाँ से बाय मतलब बाय रोड ई पास बना कर गए थे, फिर उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिर जब दिल्ली शिफ्ट हुए थे ना, 1.5 साल बाद मिले थे सिस्टर के रोके के समय, उसके बाद शादी में आया, उसके बाद सीधे ये 9 मंथ के बाद फिर पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला। तो एक होता है ना कि कई बार इतनी ज़्यादा मतलब टाइमिंग ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, स्केड्यूल भी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं मिल पाते। पापा जी की कल रात से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब रात भर उनको बहुत ज़्यादा कफ हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, उस वजह से वोमिट भी आई और मतलब फीवर भी आया और बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप शूट नहीं की। पापा जी इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हालांकि अब पापा जी की तबीयत ठीक है और डॉक्टर रात में नहीं आ पाए थे, फिर हम लोगों ने दूसरे डॉक्टर मोहल्ले में रहते हैं गणेश भैया, उनको जाकर घर से बुलाया, उन्होंने चेक किया, इंजेक्शन दिया, तो थोड़ी बहुत राहत मिली, बट सो नहीं पाए थे पापा जी, क्योंकि कफ की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब पापा जी सो रहे हैं, दिन का टाइम है अभी। तो फिर दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सीधे इवनिंग हो गई है, देव खेल रहा है। बैठ के बैठ के बैठ के, तू भी बैठ जा, दोनों बैठ जा। मैं चलाती वीडियो, ये सब मैं चलाती वीडियो, फिर दो तीन रोज झूठती वीडियो, दस से पता लगा कि दिस है बहुत तेज होने वाली है। थ्री चार इसके बाद रात के डिनर की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मैं पापड़ को रोस्ट कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी के गले में भी प्रॉब्लम है, तो पापा जी मतलब डीप फ्राई ऑयली नहीं खा पाएंगे। पापड़ को रोस्ट कर रही हूँ और एक तरफ मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ, सब्जी मम्मी जी ने बना ली है। और मतलब क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा बाहर बैठ गए थे, थोड़ा सा लेट भी हो गया आज डिनर में, होता है ना बहुत दिन बाद पेरेंट्स से मिलते तो बाद में ही सारा टाइम चला जाता है।
डिनर करके हम लोग आ गए हैं बेडरूम में। ये पापा जी मम्मी जी का मास्टर बेडरूम है। यहाँ का ये वाइट पंखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम सोते हैं, उसके बाद सीधे हो गई है मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ मिसल पाव, और मिसल पाव मिक्स मतलब मोट छोले और मटर से बनाया है। यहाँ पे मैंने पाव मक्खन लगा के रोस्ट कर लिए हैं और भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले पापा जी मम्मी जी को ब्रेकफास्ट देते हैं, कैसा लगा उनसे पूछते हैं। वैसे मतलब मम्मी जी को ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन डिश है और मेरी मम्मी जी महाराष्ट्र की हैं। स्वीट इधर पे कर रहे हैं पूजा। देव यहाँ पे रहता है ना, तो उसको पापा जी के साथ ही सोना होता है, उन्हीं के साथ खाना होता है, इनफैक्ट नहाना भी उन्हीं के साथ होता था। बट अभी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो अपने हाथ से नहा रहा है। और यहाँ पर मैं अभी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी मम्मी जी देव का ब्रेकफास्ट हो गया है। मैं स्वीटू का वेट कर रही थी क्योंकि उनको पूजा करने में टाइम लग रहा था। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि हाउसहेल्प बर्तन रख के चली गई है और आके वही लगाती है, और ये प्लेटफॉर्म भी वही क्लीन कर देती है। बस मैं खाना बना के हट जाऊँगी, ज़्यादा काम नहीं होता है। और यहाँ पे ये है हमारी मिसल पाव की प्लेट। हम लोग तो बहुत पहले खा चुके हैं, व्लॉग लेट आया है तो आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। थोड़ा पीन को वो करो, जोर से दबाना, पूरे तो निकलेगा। ओ हाँ हाँ सर, क्या है, उड़ गई रोटी, उड़ गई गंगा कहाँ भी थी। अरे टेस्ट कर रहा है बबलू शुगर को। पापा जी को लग ही नहीं रहा कि आपके हाथ में लग भी रही है कुछ। मेरे पास सुई से थोड़ा सा टूट तो जाता तू है। हाँ अब लगा, बताया ना जोर से, ज्यादा जोर से हम डर लगता है पापा जी। वैसे लगेगा ही मुझे, ऊपर पर क्या होगा, इसको बंद क्यों हो गई। हाँ ये ले मम्मी से कर ले। अरे दूध ले रही ना मैं। अच्छा रख दे, नहीं रख दे उसमें। हां ये क्या हो गया, खून ही नहीं निकल रहा है पापा जी, क्या करूं मैं बताओ। छेद तो हो गया लेकिन खून नहीं आ रहा है। हो गया, हो गया सर, तो बता देता। कितने जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगाया बाबा जी ब्लड, जिस पत्ती में लगना चाहिए ना नई पत्ती लगाया बाबा जी। बाबा इधर है पापा। बाबा बाहर बैठे हैं। हाँ जी, तो अभी हमारे छोटे से क्यूट से कैमरामैन के पास कैमरा था, उसने थोड़ा बहुत शूट किया। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर ऑयल गिरा दिया था, पता नहीं कैसे वो ऑयल निकाल रही थी, पूरा गिर गया, मेरी ये पूरी ड्रेस खराब हो गई थी। इसके बाद मैंने ड्रेस चेंज किए। मम्मी जी यहाँ पर कड़ी बना रही है, मम्मी जी बहुत ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनाती है, प्रॉपर महाराष्ट्रीयन कड़ी बनाती है मम्मी जी, बहुत टेस्टी होती है। और मैंने गोभी कट कर दी है पुलाव के लिए, और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा अपनी बड़ी चाची के यहाँ मिलने। नाना नानी जी के यहाँ आया हूँ, कल जाने वाले, अभी बहन नानू के यहाँ मिलने जा रहे। मम्मी चावल धो रही, मम्मी जी पुलाव, हाँ तही वाला पुलाव बना रही हूँ मम्मी जी।
आइसक्रीम में नाने अरे मैं बैठ दी चलो इतना बड़ा बच्चा फिर आगे बैठने का शौकीन बताओ उसके बराबर के हो जाते हैं ना तो उनके बच्चे बच्चों जैसे होते हैं हमारा बच्चा बिजार है पर देखे रहे कि लोग रुके ही नहीं रुके ही नहीं करते अभी आते हुए रुक लेंगे ना मैं याद नहीं। हाँ जी, तो कल आपको छोटे चाचा से, बुआ से, बड़ी मम्मी से, सबसे मिलाया था, भाई बहनों से भी मिलाया था। अब जा रही हूँ मैं अपनी बड़ी चाची के यहाँ, तो चलते हैं बड़ी चाची से भी मिलाते हैं और मैं खुद काफी टाइम बाद उन लोगों से मिल रही हूँ। वीडियो डालती है ना यूट्यूब में, देखते हो क्या? यूट्यूब पर वीडियो बना के डालती इधर आके बैठना तो कहाँ जा रहा है? ये भगवान के ऊपर क्या चीज़ बोतल रख दी है जी? ये भगवान करती है? अरे उसमें कुछ नहीं है, बच्चा दिखता है। इस साल हम लोग बहुत अनलकी थे कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम हार गई है, बट उस टाइम इंडिया ही का क्रिकेट चल रहा था किसी टीम के साथ, तो वो देखने में बिजी थे ये लोग। नीता चाची, लेकिन पता नहीं यहाँ है कि नहीं वो, क्या नांदगांव में किसका जन्मदिन है बोले, खुशबू बुआ की बेटी का, तो वहाँ जाए। अनार से बढ़िया बने चाची। ये मेरा कजन ब्रदर आशीष है, मेरे बड़े चाचा का बेटा, मुझसे छोटा है और बहुत प्यारा है, और देव का मतलब देव को बहुत प्यार करता है, देव का फेवरेट मामा है कह सकते हैं। और मतलब देव और ये जब भी मिलेंगे तो देव इसके हाथ से खाना जरूर खाता है और ये बहुत प्यार से खिलाता भी है, मतलब बहुत प्यार से बच्चों को खाना खिलाता है ये। और हम लोग इसे, इसका निकनेम आशु है, घर में प्यार से आशु बोलते हैं। और आशु लेके आया है घर में दो बहुत ही प्यारे प्यारे से तोते, तो सोचा आप लोगों से मिला दूं। और ये है मेरी बड़ी चाची। बड़ी चाची बोल रही थी कि आजकल तू कॉल ही नहीं करती, क्या हुआ ना कि बड़ी चाची का नंबर चेंज हुआ है, मेरे पास पुराना नंबर था नहीं, मम्मी जी ने मुझे दिया भी था बट फिर उसके बाद मेरा मोबाइल फॉर्मेट हुआ तो पता नहीं वो नंबर कहाँ गया। तो इस टाइम पे चाची नंबर सेव कर भी रही थी और करवा भी रही थी और बस हमारी गपशप चल रही थी। चाची लेके आई थी चिवड़ा अनार से, बहुत अच्छे अनार से बनाए थे चाची ने, तो हमने वो खाए। इसके बाद घर जाके हमको अभी लंच भी करना था क्योंकि मम्मी जी को पता है कि मम्मी जी के हाथ की कड़ी हम लोगों को कितनी पसंद है, तो मम्मी जी ने बहुत प्यार से बनाई है, तो वो भी वेट कर रही होंगी लंच का। लेकिन इसके बाद हम लोग एक ट्रिप और मार आए यहाँ पर ना, ये विवेकानंद कॉलोनी है, इस एरिया में पापा जी के मतलब बुआ जी के बेटे रहते हैं मेरे चाचा जी, तो हम लोग चाचा चाची से मिलने आए थे क्योंकि इस साल पापा जी की बुआ जी भी नहीं रही, उस टाइम हम लोग नहीं आ पाए थे, वो लोग भंडारा में रहते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर चाची से मिले, चाचा तो नहीं मिल पाए, वो मतलब बाहर गए हुए थे, बट जैसे चाची से मिले उसके बाद बातचीत करी, बहुत दिनों के बाद मिले तो होता है ना, मतलब हाथ में कैमरा लेने का ध्यान ही नहीं रहा तो मैं शूट नहीं कर पाई, नहीं तो मैं उनको भी मिलाती अपने व्लॉग में आप लोगों को, आप लोगों से सॉरी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर, जाते हुए हम लोग देख लेंगे अगर हमें कुछ कुछ सामान लेना है वो मिल गया तो, नहीं तो जाके पहले करेंगे लंच। यहाँ चाची ने भी हम लोगों को ब्रेकफास्ट ऑफर किया था, मतलब
स्नैक्स वगैरह ऑफर किए थे बट हम लोगों ने नहीं खाए क्योंकि हमें पेट में जगह बचानी थी, हमको घर पे जाके खाना है गर्मा गर्म पुलाव और कड़ी। मम्मी जी के हाथ की कड़ी की बात ही कुछ अलग होती है, सच में बहुत टेस्टी कड़ी बनाती है मेरी मम्मी जी। हमें वो गन्ना देखना है ना सबसे पहले, तो अरे उनके यहाँ पे जाना है। तो आई होप आपको मेरे मायके व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग भी नए अगर देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप एक बार मेरे एक साल दो साल की जो मेहनत है मेरे पुराने व्लॉग्स पर भी जाकर देखिए, शायद आप उन व्लॉग्स के थ्रू, कई बार होता है कुछ व्लॉग थोड़े लो जाते हैं कुछ व्लॉग थोड़े हैप्पी जाते हैं, तो मैंने पहले भी अपने मायके व्लॉग शेयर किए हैं जिनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें। और कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, इसी के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। नहीं है, धन्यवाद।